This August forum has today heard some mischievous remarks by a permanent representative arising purely out of ignorance and lack of an understanding on the basic facts of decolonization. I will not be wasting the time of this council in responding to those remarks. बेकार, ये शब्द पाकिस्तान की पहचान बन चुका है। हालात बेकार होना, बेकार काम करना और बेकार बयान देना, पाकिस्तान सब बेकार ही करता है। बेकारी से पाकिस्तान का प्यार इतना गहरा है कि ये प्यार संयुक्त राष्ट्र में भी दिख जाता है। विषय कोई भी हो, मौका कोई भी हो, पाकिस्तान को भारत पर बोलना है और कश्मीर राग भी छेड़ना है। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कश्मीर का राग अलाप दिया, लेकिन भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया, इस बात को ही बेकार बता दिया। इस बार भी भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। This August forum has today heard some mischievous remarks by a permanent representative arising purely out of ignorance and lack of an understanding on the basic facts of decolonization. I will not be wasting the time of this council in responding to those remarks. Our advice to that delegation is please refer to our numerous rights of reply that we have expressed in the past. उनका कहना था कि ऐसी बातों का जवाब देना मतलब सुरक्षा परिषद का समय बर्बाद करना, और वो ऐसा नहीं करेंगी। कंबोज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों को कायम रखते हुए प्रभावी बहुपक्षवाद विषय पर चर्चा कर रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान ने विषय से हटकर मुद्दों को उठाया और उसे लेकर टिप्पणी की, जिसके जवाब में भारत ने कड़ा जवाब दे दिया। दरअसल इस महीने सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता रूस कर रहा है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बहस की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी दौरान पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाया, जिस पर कंबोज ने कहा कि अंत में इस सम्मानित मंच से आज एक स्थायी प्रतिनिधि की कुछ बेकार की टिप्पणियां सुनी, जो विशुद्ध रूप से अज्ञानता के बुनियादी तथ्यों पर समझ की कमी के कारण आई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान कई बार कश्मीर के मुद्दों को उठा चुका है। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दों को विभिन्न वैश्विक मंचों पर उठाता रहता है। धारा 370 का हटना और जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटना पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी लेकर आया, जिसके बाद से पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में उछलता रहता है और इस तरह के बयान देता है जो उसकी जनता का राष्ट्रवाद का पेट भर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।